सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मीत ग्रह निंजा के एकदम न्यू वीडियो के अंदर। सो फाइनली गाइस, आज हो गया है अपडेट गेम में। बहुत सारी चीज़ें गाइस गेम में ऑप्टिमाइज की है, ऐड की है कुछ चीज़ें, और 5 न्यू पोकेमोन ऐड किए, एडजस्ट भी की है कुछ चीज़ें। बट गाइस, मैंने आपको संडे को बताया ही था कि अपडेट होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। पोकेमोन न्यू सिर्फ 5 ही डाले हैं इस बार भाई, ऐड बहुत सारा किया है और ऑप्टिमाइज ज़्यादा किया है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा की है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस अपडेट में देखने को, और काफ़ी सारी चीज़ें गाइस मुझे समझ नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत भाई अपडेट में लिखा था, इतना लिखा था कि भाई मैं सोचते भाई थक गया था। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि सारे सर्वर अभी पॉज कर दिए, मेंटेनेंस चल रहा है अभी। अपडेट तो भाई कब का हो गया, बट यहाँ पर ये सर्वर भाई कब पता नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गाइस वेट करना पड़ेगा। मेरा सर्वर ये रहा गाइस 204 रिसोर्ट, बस ये स्टार्ट हो जाए तो फिर हम जा सकते गेम के अंदर। बाकी ये सारे भी नहीं अभी अनलॉक हुए, मेरा मतलब स्टार्ट हुए। वैसे गाइस पता नहीं कल इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था इस अपडेट को, स्थगित कर दिया था, यानी कि हिंदी में कहूँ तो स्थगित कर दिया था ये अपडेट, और सॉरी का गिफ्ट कोड भेजा था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इस टाइप का सीडी की कोड दिया था मैंने आपको कल ही दिया है, अगर नहीं देखा तो जाकर फटाफट से देख लेना। सो फाइनली गाइस, काफ़ी घंटे भाई वेट करने के बाद 1 घंटा लग गया भाई सभी सर्वर को चालू होने में, बहुत भाई टाइम लग गया। कब से भाई मैं वेट ही कर रहा हूँ, थक कर भाई मेरी आँख भी लग गई थी, बट अभी मेरी आँख खुल गई है और यहाँ पर ये सर्वर भी खुल गया। बट यार मेरा वाला सर्वर ओपन, प्लीज़ यार ये मत कहना कि अभी भी मेरा सर्वर पॉज रखा है, मेरे सर्वर में अभी भी भाई मेंटेनेंस चल रहा है। बाकी ये सारे सर्वर चालू हो गए, पता नहीं भाई इसको चालू होने में कितना टाइम लगेगा, मैं भाई वीडियो कैसे जल्दी डालूं भाई। अपडेट तो 1 घंटे पहले हो गया था, 4:10 में अपडेट हुआ था 181 MB का, और 1 घंटा भाई लगा दिया इन्होंने सर्वर चालू करने में। ओके गाइस, नहीं मुझे लगा कि अपना सर्वर चालू हो गया। तो अभी मैं गाइस अपने एक एक्सपेरिमेंट वाले सर्वर में आया हूँ। इस सर्वर में गाइस मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ हर एक चीज़ के ऊपर, ताकि मुझे इस गेम के बारे में और ज़्यादा पता चल सके। इस सर्वर का नाम भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, अभी मैं आपको भाई जो अपडेट हुआ है वो एक एक करके सारा अपडेट दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया गाइस अपडेट हुआ है, काफ़ी देर मैंने यहाँ पर इस गेम में देखा ये अपडेट। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पोकेडेक्स में जाकर एक लेटेस्ट न्यू पोकेमोन 5। इन गेम वालों ने भाई 5 न्यू पोकेमोन डाले, और ये क्या रोटोम दिखा रहा है यहाँ पर, यू कैन गेट द पोकेमोन ऑन रेशियल वैल्यू। स्पेशियल वैल्यू क्या होता है, बोनस बाय एनहेंसिंग रोटम्स लेवल। ये वाला अपडेट गाइस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये क्या हुआ इस रोटम में अपडेट। पहले हम यहाँ पर ये पोकेमोन देख लेते हैं, यहाँ पर भाई साहब पोकेमोन जर्नी का भाई जो सीजन चल रहा है वो पोकेमोन डाला है यहाँ पर। जिन्होंने भाई पोकेमोन जर्नी के एपिसोड देखे उनको भाई पता होगा कि यहाँ पर आता है पोकेमोन जर्नी में। ये यहाँ पर गाइस इलेक्ट्रिक और डार्क टाइप का है यहाँ पर लिखा है, और इसका एक्सक्लूसिव वाला 2 अटैक है, काफ़ी बढ़िया है, और इसका गियर भी इसका जैसा ही है, खाने का गियर बना दिया लाइटनिंग बोन क्लब। तो ये कहाँ से मिल सकता है पहले ये देख लेते हैं। तो इसका गाइस इवेंट आएगा ये लोग ऐसा बता रहे हैं, और गाइस यहाँ पर ये इंटरफेस चेंज कर दिया इवोल्यूशन का, पहले से काफ़ी बढ़िया कर दिया मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें तो थी पहले, बट ये थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाइस ये इवॉल्व हो सकते हैं। लास्ट में इसका कलर ही चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, और अभी तो ये पीला टाइप का है। ओके अभी दूसरा पोकेमोन गाइस देखते हैं, ये रहा फ्लावरिंग लिलीजेंट। ये फ्लावरिंग लिलीजेंट ग्रास और फेरी टाइप का है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसको मैंने गाइस कभी भी पोकेमोन के एपिसोड में नहीं देखा ये वाला पोकेमोन, शायद मिस हो गया होगा मुझसे। से लिलीजेंट गाइस काफ़ी वैसे तो प्यारा लग रहा है,
और आखिर में भाई पर्पल हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा नीला और बैंगनी बन जाता है और ये गेम भाई लैग कर रहा है। सो ओके गाइस, मैं फिर से अपने एक्सपेरिमेंट वाले सर्वर में आ गया हूँ और पोकेडेक्स में चलते हैं। सो यहाँ पर गाइस फिर से चलते हैं इस पोकेमोन में, और ये रहा वो पोकेमोन। भाई मुझे ये बहुत ही मस्त लग रहा है ये इंटरफेस पोकेमोन का, इवोल्यूशन का ये इंटरफेस भाई काफ़ी बेस्ट बना दिए, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये दो एक्सक्लूसिव वाले अटैक्स है गाइस इसके, और इसका गियर है ये प्रिंसेस क्राउन, काफ़ी ज़्यादा गाइस ये इवॉल्व हो सकता है। चलो नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पोकेमोन है गाइस ये अल्ट्रा निक्रोज्मा, अरे अल्ट्रा निक्रोज्मा बोल रहा हूँ, अल्ट्रा जिक्रोम, पता नहीं मेरे दिमाग में वो आ गया नाम, अल्ट्रा जिक्रोम गाइस, अल्ट्रा पालकी, अल्ट्रा लूगी, अल्ट्रा डियाल्गा, भाई कितने अल्ट्रा पोकेमोन इस गेम में, अल्ट्रा म्यूटू भी डाल दिए, म्यूटू के तो भाई इतने फॉर्म है इस गेम में कि पूछो ही मत, बहुत सारे फॉर्म है। ब्लैक और वाइट का काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा बने हैं, टू स्टार तक इवॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रिक और आइस टाइप का ये, और बाकी इसके गाइस तीन एक्सक्लूसिव वाले अटैक्स आप देख सकते हो, अल्ट्रा थंडर और ये लाइटनिंग क्रिस्टल, इसका गियर है प्योर प्लस लेजेंडरी है। बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोकेमोन की तरफ, और ये क्या भाई पिकाचू है, यूजुमाकी पिकाचू, ये यूजुमाकी या फिर यूजुमेकी पिकाचू कुछ इस टाइप का नाम है, नाम बहुत ही अजीब रखा है, बट इसके पीछे भाई ये क्या लगा है, कुछ तो भाई बैटरी जैसा है, सेल टाइप का कुछ। वैसे इसका गियर भी काफ़ी देखने लायक है, कोनोहा हेडबैंड, कोनोहा हेडबैंड इस नाम का गियर आपको मिल जाएगा, बट ये पोकेमोन पता नहीं कहाँ से मिलता है, इवेंट से। तीन एक्सक्लूसिव वाले अटैक्स है गाइस इसके पास, और फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है भाई, पिकाचू ऐसा कब से बन गया फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप का। वैसे भाई यू आर प्लस लेजेंडरी पोकेमोन है, टू स्टार तक इवॉल्व हो सकता है, बढ़िया है। सो ये रहा गाइस फ्लेमिंग फाइटिंग कॉक पोकेमोन, एक नया इस गेम में आया है, ये ब्लेजी का नहीं है, बस इसको थोड़ा अलग कर दिए, इसका पैर बहुत ही लोहे जैसा बना दिए, रोबोट जैसा लग रहा है एकदम, फ्लेमिंग फाइटिंग कॉक। और इसका गियर है गाइस टिंडर सोर्स, भाई इसके पास चार एक्सक्लूसिव वाले अटैक्स हैं, बोलाइड, ये फायर बॉम्बिंग, बहुत ही अजीब टाइप के अटैक है, फायर और फ्लाइंग टाइप का है, लेजेंडरी है पोकेमोन, यू आर प्लस टू स्टार तक इवॉल्व हो सकता है। और यहीं पर गाइस ख़त्म ये पांच पोकेमोन गाइस न्यू डाले इस गेम में, द लेटेस्ट पोकेमोन, पांच पोकेमोन काफ़ी बेस्ट डाले, आपको कौन से पसंद आए वो कमेंट करके बताना मुझको। सो अभी गाइस मैं आपको ऑप्टिमाइज क्या क्या चीज़ें की हैं वो आपको दिखाता हूँ, सबसे मेन चीज़ तो भाई वही की है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। सो पहला वाला अपडेट दिखाता हूँ मैं गाइस पोके टावर का, पोके टावर में इन लोगों ने यहाँ पर इस डेली ट्रेल में गाइस 15 फ्लोर थे पहले, बट अभी एक फ्लोर और बढ़ा दिया है तो 16 फ्लोर हो गया है अभी इसमें। अगर आपका गाइस डेली ट्रेल अनलॉक हो गया तो आप जाकर देख लेना, 16 फ्लोर ऐड कर दिया होगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो इस एडवेंचर में यहाँ पर ये ऐड किया है कुछ डेली पैकेज रिवॉर्ड का, ये हमें डेली पैकेज रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से, ये देखो रिसीव करने को मिलेगा, और ये भी लिखा है यहाँ पर कि डेली रिवॉर्ड विल इंक्रीज आफ्टर पासिंग ईच चैप्टर। तो ये डेली रिवॉर्ड गाइस इंक्रीज होगा यहाँ पर, वैसे सेम ही मिल रहा है हर एक चैप्टर में, ये देखो इस चैप्टर में भी सेम ही मिल रहा है ये स्पेशल गिफ्ट बॉक्स, वैसे यहाँ पर मैं क्लेम कर ही रहता हूँ। ओके अभी मैं गाइस डायमंड देकर फिर से रीसेट कर सकता हूँ इसको, बट रीसेट किया तो भाई रिवॉर्ड तो इंक्रीज नहीं हुआ, ये स्पेशल गिफ्ट बॉक्स फिर से मिल गया, अभी मैं नहीं कर सकता गाइस, वो एक बार ही डायमंड देकर हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा तो रहा है कि 100 डायमंड देकर आप रीसेट कर सकते हो, बट नहीं हो रहा। यहाँ पर गाइस हम चलते हैं इसमें पोकेमोन में, यहाँ पर एक पोकेमोन में चलते हैं, और ये देखो गाइस यहाँ का ये इंटरफेस चेंज कर दिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर ये इस पोकेमोन का डिटेल है, और इन टाइम्स में आप जा सकते हो इस तरह से, बहुत ही छोटा छोटा कर दिया है सब कुछ,
पहले बड़ा बड़ा था तो अच्छा लग रहा था। वैसे कोई बात नहीं, अच्छा ही है सब। यहाँ पर गैस हम ये देखो, ये टिक कर सकते हैं इसको, इस बीन को। ये भी कुछ गैस नया किया है, बट मेरे पास अभी बीन्स नहीं है। यहाँ पर वन क्लिक फीड कर सकते हैं हम। वैसे गैस इसका भी भाई ये देखो इंटरफेस चेंज कर दिया है, इस पफिंग का भी काफ़ी चेंज हो गया ये सब कुछ। और ये इंटेंसी का तो वही का वही है। अभी चलते गैस एबिलिटी वैल्यू में। यहाँ पर एबिलिटी वैल्यू में आप एफर्ट वैल्यू डाल सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यू डाल सकते हो, और गैस ऐड किया एक चीज़ जो कि है हाइपर ट्रेनिंग, ये देखो। बट अभी यार अनलॉक नहीं हुआ मेरा यहाँ पर हाइपर ट्रेनिंग, क्योंकि चैप्टर 31 मैंने कंप्लीट नहीं किया। चैप्टर 31 पूरा कंप्लीट करना होगा, उसका लेवल 8, तब यहाँ पर हाइपर ट्रेनिंग करा सकता हूँ मैं। तो मुझे अपने दूसरे सर्वर में जाना होगा, तभी मैं आपको वो दिखा पाऊँगा। और यहाँ पर ये स्टडी यानी कि पॉकेट एक्स लेवल आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये देखो। और ये इवॉल्व का गैस इंटरफेस है, ये तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। और यहाँ से भी गैस आप सीधा अवेकन में जा सकते हो, ये बहुत बढ़िया कर दिया। सीधा अवेकन में यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर इवोल्यूशन है और यहाँ पर अवेकन है इसका। ये गैस कुछ नया है, ये देखो, ये तो नया नहीं है, बट ये स्ट्रेंथनिंग, ये कुछ नया है। अवेकन 0 क्लास लेवल 0। और गैस अगर आपका लेवल 35 हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो ट्रेनर लेवल 35 हो जाएगा, तो आपका ये फार्म अनलॉक हो जाएगा। पहले आपको 52 लेवल करना पड़ता था, तो अभी गैस बहुत ही कम लेवल करने पर ही आपको ये फार्म अनलॉक हो जाएगा। ये वाली चीज़ गैस इन्होंने ऐड की है, ये एडेड रोटम एक्सपीरियंस टू पोकेमोन अवेकनिंग क्लास राइजिंग, ऐसा ऐड किया है। तो यहाँ पर रोटम में भी वो अवेकनिंग आ गया है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको गैस वो दिखाता हूँ, ये रहा। यहाँ पर गैस पहले चार ही चीज़ें थी, यहाँ पर ये देखो गैस, ये पोकेमोन अवेकन, ये चीज़ ऐड कर दिए। तो अब जिस पोकेमोन को अभी अवेकन करोगे तो यहाँ पर आपको रिसीव करने का आएगा। जैसे कि आप एक नया पोकेमोन पकड़ते हो तो यहाँ पर ये देखो रिसीव करने का आता है ना, वैसा ही ये मैं रिसीव कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये गैस मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, ये दोनों मटेरियल, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माइथिकल बीस्ट कम टू अटैक से यहाँ पर लिखा ही है, यहाँ से आपको गैस मिल जाएगा। बस आपको बैटल करनी है और यहाँ पर से वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो गैस, ये मेल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो गैस नहीं मिल रहा। देखो इस ड्रॉप आइटम में यहाँ पर नहीं मिल रहा, वो आपको मेल में मिल जाएगा। आपका जितना भी अच्छा रैंक होगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर ऑटो एरे कर देता हूँ और डाल देता हूँ अपने पोकेमोन, और ये फाइट करने चला गया। तो मुझे यहाँ पर गैस मेल से नहीं, ओके, मुझे लगा कि भाई मेल से मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से गैस आपको मिल गया फाइट करने पर, बस फाइट करो और अवेकन क्रिस्टल इसको कहते हैं, मिल जाएगा आपको। और ये DMG पॉइंट यहाँ पर मेरा इतना बना है वन टाइम। और गैस ये दूसरा वाला जो आइटम है ड्रैगन सिंक और कुछ इस नाम का, तो ये आपको लिमिटेड गैजेट पॉइंट से मिलेगा। सो ये इवेंट गैस अभी तक आया नहीं है। ये पिछले वाले अपडेट की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ऐसा लिमिटेड गैजेट पॉइंट आएगा, बट अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया। ऐसे यहाँ पर मुझे गैस बहुत सारे ये अवेकन क्रिस्टल चाहिए, तभी अपग्रेड हो पाएगा। पता नहीं गैस दोनों चीज़ चाहिए या फिर एक चीज़ से काम हो जाएगा, अपना अपग्रेड कर सकते हैं हम शायद एक चीज़ से। अगर नहीं होता तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। और गैस इस शॉप का भी भाई ये देखो इंटरफेस कितना चेंज कर दिया, बहुत चेंज हो गया एकदम भाई, ये चेंज हो गया ये शॉप। उसे यहाँ पर गैस ये देखो, ये हम बाय कर सकते, ओ भाई साहब बस लीग्यू कॉइन चाहिए। ये देखो इसको लीग्यू कॉइन ही बोलते हैं, ये लीग्यू कॉइन गैस देने पर आपको ये सही चीज़ें बढ़िया वाली मिल जाएगी। ये तो भाई बहुत ही मस्त कर दिया, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ यही था ये वाला शॉप लीग्यू शॉप, बट ये लीग्यू लेवल कुछ इस टाइप का ये न्यू डाला है इसमें। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी बस लीग्यू कॉइन देने पे। ये हाई क्लास का प्लेट मिल जाएगा और भाई 50 माइथिकल मेगा स्टोन शार्ट, ये वाला तो भाई दिल जीत गया अपना। मेगा कॉम्बिनेशन स्टोन, और ये क्या है लेवल 8 का रैंडम पफिन, भाई साहब भाई मूव एसेंस का भी 50 मिलेगा आपको।
यहाँ पर ये मैं परचेस नहीं कर सकता। लीग्यू लेवल रीच इज 4 टू अनलॉक। लीग्यू लेवल मैंने अभी 4 अनलॉक नहीं किया, 2 भी अनलॉक नहीं किया। देखते हैं गाइस लीग्यू मैच में जाकर। यहाँ पर गाइस ये लीग्यू लेवल बहुत ही बड़ा दिया है। ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये है लेवल 1 का, इसलिए मैं लेवल 1 का ही क्लेम कर पाया। ये लेवल 2 का है, ये लेवल 3, 4 और 5। बट गाइस और भी बड़ा दिए इन लोगों ने, 6, 7, 8, 9 और 10। भाई 5 न्यू कर दिए एड लेवल, पहले 5 ही थे इसमें बट अभी बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा। तो जितना भी गाइस आपका लेवल होगा उतना ही आप शॉप में जाकर वो लीग्यू लेवल जो शॉप है, ये देखो ये लीग्यू लेवल में तभी गाइस आप क्लेम कर सकते हो सारी चीज़ें। तो लेवल 10 तो भाई बहुत मुश्किल है, दिल तोड़ दिया भाई फिर से। बाकी गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैंने सब में देख लिया। और यहाँ पर फार्म में गाइस ये देखो असिस्टेंट आ गया है, ये एक न्यू चीज़ ऐड कर दिए। और ये स्पीड बूस्ट, ये भी कुछ गाइस बढ़िया किया है इन लोगों ने। मुझे प्लांट लेने पड़ेंगे बट मेरे पास तो यही प्लांट, पता नहीं ये प्लांट मुझे लगाने। और यहाँ पर मैं स्पीड बूस्ट दबा कर, ओके गाइस यहाँ पर मैं 209 डायमंड्स दे देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके बड़ा हो गया एक ही झटके में। और यहाँ पर मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर मुझे प्लस 10 XP मिल गया। यहाँ पर मैं गाइस एक्सेलरेट इमीडिएटली, तो 210 डायमंड्स अब दूंगा तो यहाँ पर फिर से जल्दी उग जाएगा। ऐसा मैं 20 टाइम्स ही कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, फिर से भाई मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर गाइस ये टास्क में ये देखो ये मेन लाइन कुछ बता रहा है, पता नहीं ये क्या है मेन लाइन। इसको सबमिट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 66 ये ऑरेंज बेरी नहीं है, राइप ऑरेंज बेरी। ओके गाइस यहाँ पर ये वन क्लिक अपग्रेड, तो 300 डायमंड देने पर ये अपडेट हो जाएगा सारा टास्क, अपडेट नहीं अपग्रेड हो जाएगा। और हाँ गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये माइथिकल बीस्ट कम टू अटैक का जो ये DMG स्कोर है ना वो गाइस एडजस्ट किया है, उसको गाइस ऑप्टिमाइज किया है माइथिकल बीस्ट को। और मूव मास्टरी लेवल भी गाइस ऑप्टिमाइज किया है, यहाँ पर 00 है। मुझे अपने सीजर वाले सर्वर में जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाले सर्वर में मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा। तो चलो गाइस चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आ गया हूँ अपने सर्वर में सीजर के, और यहाँ पर ये देखो स्पीड बूस्ट करते हैं। यहाँ पर वैसे मैं असिस्टेंट तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा VIP लेवल 3 है। ये स्पीड बूस्ट करते हैं भाई, हो जाए। अच्छा भाई मैं समझ गया भाई, मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ, ये पहले से ही उग गए हैं ये सारे। तो यहाँ पर इसको क्लेम करना है क्लिक करके, और सारे प्लांट लगाने अभी मुझे पहले। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 478 डायमंड देने पड़ेंगे इस बार। और गाइस 30% कुछ डिस्काउंट व्हेन स्पेंडिंग मोर एंड 2000 डायमंड्स। या भाई डिस्काउंट 400 डायमंड तो ले रहे हो, काहे का डिस्काउंट भाई। ओके गाइस हार्वेस्ट कर लेते हैं इसको पहले, और फिर से प्लांट कर देते हैं अभी यार इसको लेना। ओके अभी भाई 40 टाइम्स गाइस मैं यहाँ पर एक्सेलरेट कर सकता हूँ प्लांट्स को, जल्दी से उगा सकता हूँ। बहुत ही गाइस पेचीदा है ये, और ये मेन लाइन कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। मेन स्टोरी 6 परचेस चॉपल बेरी, मेन स्टोरी इसका गाइस कुछ पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताना। ये मेन लाइन पता नहीं क्या है, मैंने गाइस बहुत ढूंढा बट मुझे नहीं मिला। तो प्लीज़ यार दोस्तों थोड़ा हेल्प कर देना अपने भाई को। और बाकी गाइस अभी हम कर सकते हैं अपनी हाइपर ट्रेनिंग, यहाँ पर अपना लेवल भाई बहुत ज़्यादा है। एबिलिटी में जाकर, और लेवल तो अपना ज़्यादा है बट हमने सारा एडवेंचर कंप्लीट कर लिया है, तो हम यहाँ पर हाइपर ट्रेनिंग करा सकते हैं। हाइपर ट्रेनिंग में ये क्या बता रहा है भाई, अब क्या हो गया। करंट पोकेमॉन्स इंडिविजुअल वैल्यू बिलो 150, और भाई साहब अब इसको भाई 150 मांग रहा है, 150 इंडिविजुअल वैल्यू करना पड़ेगा। क्या भाई बेकार है ये हाइपर ट्रेनिंग, अब इतना कहाँ से लाऊँ मैं अबे यार। ओके गाइस अपना ये चार्जर का कितना है भाई आईवी, ओके 165, बहुत बढ़िया।
चार्जर का बहुत ही ज़्यादा है आईवी। सो हम यहाँ पर गाइस करा सकते हैं, पहले तो भाई सारे एडवेंचर कंप्लीट करने होंगे और फिर भाई पोकेमोन का आईवी 150 होना चाहिए, तभी हाइपर ट्रेनिंग करा सकते हो। बहुत तगड़ा रखा है ये चैलेंज, बंदा भाई थक जाएगा। तो यहाँ पर गाइस दो क्राउन है, सिल्वर क्राउन और गोल्डन क्राउन, इन दोनों से ही कुछ होगा। बट सिल्वर क्राउन 100 चाहिए तो एक बार हाइपर ट्रेनिंग करा सकते हैं, नहीं नॉर्मल ट्रेनिंग। अगर गाइस एडवांस ट्रेनिंग करानी है तो हमें गोल्डन क्राउन देना पड़ेगा। 40 दोगे तो एक बार ट्रेनिंग करा सकते हो, अगर 400 दोगे तो 10 बार करा सकते हो, और ये सिल्वर में तो भाई 100 लगेगा एक बार ट्रेनिंग कराने के लिए। चलो भाई देख लेते हैं, चैंपियन ट्रायल से गाइस ये मिलता है, और ये मिलता है गोल्डन क्राउन माइथिकल बीस्ट कमिंग ऑक्शन, बट ये नॉट ओपन। ओके, अरे हाँ वो हर मंडे ओपन होता है ना, भूल गया था मैं। ये रहा गाइस, ये देखो, ये आपको मंडे आना पड़ेगा तभी ये ऑक्शन ओपन होता है। यहाँ पर से गाइस वो मिलता है। ओके समझ गए। अभी गाइस हम चैंपियन ट्रायल में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेस्ट काफ़ी चमक रही है, इसका भी इंटरफेस थोड़ा चेंज कर दिया है, इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया, और इसके रिवॉर्ड्स को भी गाइस, इसके रिवॉर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो मुझे मिस्टीरियस स्पेशल गिफ्ट बॉक्स मिल रहा है, स्पेशल गिफ्ट बॉक्स मिल रहा है, कैंडी मिल रही है इतनी, और 20 क्राउन मिल रहा है, बहुत ही कम। अगले साल ही मैं हाइपर ट्रेनिंग करा सकता हूँ, बट मैं दो बार परचेस कर सकता हूँ, एक बार डायमंड से 50 डायमंड चले गए, और फिर से हमने क्लेम कर लिया, और फिर से 100 डायमंड गाइस फिर से मैंने दे दिए, और फिर से यहाँ पर मैं रिसीव कर रहा हूँ, तीन बार मैंने रिसीव कर लिया, एक तो फ्री में और दो बार डायमंड देकर। बट अभी नहीं करा सकता 150 डायमंड देकर, पता नहीं क्यों, यहाँ पर मैं दो बार ही डायमंड देकर कर सकता था, तीसरी बार नहीं लिखा। और हाँ गाइस, ये जो रिवॉर्ड मुझे चैंपियन ट्रायल का मिल रहा है ना, वैसा ही रिवॉर्ड यहाँ पर एडवेंचर में मुझे मिलेगा। ये देखो, एडवेंचर में मुझे यहाँ पर ऐसा ही रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने यहाँ पर गाइस क्लेम कर लिया। वो चैंपियन ट्रायल और मेन लैंड एडवेंचर को लिंक कर दिया है दोनों को। चैंपियन ट्रायल का रिवॉर्ड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, आप सीधा यहाँ से एडवेंचर से ही कलेक्ट कर लो, कलेक्ट नहीं क्लेम कर लो। और लेट में गाइस ऐसा चेस्ट नहीं रखा, इसमें ही रखा है। ये गोल्ड कॉइन और कैंडी मुझे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने पार्टनर में अपने पोकेमोन डाले, इतना बोनस मिलेगा, काहे का भाई बोनस, ये क्राउन ज़्यादा देते तो मुझे बोनस लगता। और हाँ, पॉकेट आउट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली ट्रायल का, डेली ट्रायल। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये देखो फ्लोर 15 और ये रहा फ्लोर 16, ये ऐड कर दिए, पहले 15 ही था। वैसे मेरे पास गाइस किसी एक पोकेमोन का अवेकन है, एक सेकंड रुको, बहुत ही सस्ता मिल रहा था तो मैंने ले लिया था। यहाँ पर बैग में चलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया कर दिए, यहाँ पर जो अवेकन का ये सेक्शन है ना, यहाँ पर ये बैग है, तो उसमें आपको जाना है, और जितने भी आपके पास अवेकन स्टोन होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ बता रहा है, अगर मैं गाइस इसको डिसमेंटल करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये ऑर्ब ग्रास सिंक ऑर्ब, बट मुझे डिसमेंटल नहीं करना, मुझे पता चल गया है कि मैंने किसका लिया है अवेकन स्टोन। ऐसे मैं इसको गाइस डिसमेंटल कर भी देता, बट ये ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा मिलता तो मैं ज़रूर डिसमेंटल कर देता, और मैं यहाँ पर इसको अपग्रेड कर देता, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देते हैं। और एक बार हमने अवेकन कर दिया, ये पहला पोकेमोन गाइस मैंने अवेकन किया है। अभी गाइस रोटम में चलते हैं, और यहाँ पर पोकेमोन अवेकन में चलते हैं। यहाँ पर मैंने गाइस विनसोर को अवेकन किया था, बट यहाँ पर तो गाइस वो दिखाई नहीं रहा, नहीं गाइस यहाँ पर मैंने विनसोर को अवेकन किया बट ये रिसीव का आया ही नहीं, लगता है और ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर वो जो दूसरा है ना स्ट्रेंथनिंग वो करना पड़ेगा, तभी शायद होगा, तभी हम रोटम में वो रिसीव कर सकते हैं उसके पॉइंट। और बाकी गाइस आप अगर ये कल्टीवेशन का ओपन करोगे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि कर्ट यार्ड मिल रहा है,
ये चीज़ ऐड कर दिए। कल्टीवेशन में भी आप जाकर कर्ड यार्ड में जा सकते हो। तो अगर गाइस आप टाउन में खड़े हो और वहाँ पर ये फार्म तो भाई बेस में होता है, तो आप कल्टीवेशन में बस जाकर यहाँ पर कर्ड यार्ड में कर देना। ऐसे गाइस इस रोटम में काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट की है, जैसे कि ये जेड पावर ये एडजस्ट किया है, और ये स्ट्रेंथ लेवल एडजस्ट किया है, और मूव मास्टरी लेवल एडजस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें गाइस एडजस्ट किए। मूव मास्टरी यानी कि ये दोस्तों, इसको कहते हैं मूव मास्टरी। और गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर चैम्पियन ट्रायल आ गया है, क्योंकि मैंने तो भाई सारा एडवेंचर कंप्लीट कर दिया है, इसलिए गाइस यहाँ पर चैम्पियन ट्रायल आ रहा है। तो अभी मुझे ये बता रहे हैं कि आप अब चैम्पियन ट्रायल में जाकर बैटल करो, चैलेंजेस कंप्लीट करो। काफ़ी गाइस तगड़े होते हैं चैम्पियन ट्रायल में पोकेमॉन। जैसे गाइस लीग मैच में मेरा काफ़ी लेवल है, मेरा लेवल 6 है इसमें। तो मैं गाइस लेवल 1 से लेकर 6 का सारा रिवॉर्ड क्लेम कर सकता हूँ लीग कॉइन देकर। और गाइस कॉरेस्पॉन्डिंग अचीवमेंट रिवॉर्ड कुछ ऐसा ऐड किया है, तो वो चीज़ गाइस कुछ ऐड किए कॉरेस्पॉन्डिंग अचीवमेंट रिवॉर्ड। और गाइस ऐड किया है कुछ चैलेंज चांसेस परचेज फीचर, तो ऐसा गाइस कुछ ऐड किया है, पता नहीं वो कहाँ पर है, कुछ ऐसा फीचर ऐड किया है। मुझे तो गाइस ये लग रहा है ये ऐड किया है, यहाँ पर ये नहीं था पहले। यहाँ पर अगर हमारा लेवल VIP लेवल 5 होगा तो हम एक बार और बैटल कर सकते हैं इसके साथ, तो मुझे तो यही लग रहा है। और हाँ गाइस मैं एक बात बताना भूल गया रोटम में, कि ये जेड पावर का लेवल बढ़ा दिए, 16 से लेकर 20 लेवल बढ़ा दिए, 5 लेवल बढ़ा दिए। पहले इसमें गाइस 1 लेवल से लेकर 15 लेवल ही बढ़ा सकते थे, बट अभी और ज़्यादा 5 लेवल बढ़ा दिए। और एडजस्ट किया है रैंकिंग में, सिंगल DMG में, बैटल रिवॉर्ड्स में, ये सब कुछ गाइस एडजस्ट किए। रियल DMG रेसिस्टेंट ऐसा भी गाइस कुछ ऐड किया है, तो ये DMG जो स्कोर है ना वो रियल ऐसा रेजिस्टेंट किया है। वैसे यहाँ पर एंशियंट ट्रेजर में कुछ भी रिवॉर्ड अलग नहीं मिल रहे, वही मिल रहे जो पहले मिलते थे। और हाँ गाइस चैम्पियन ट्रायल की एक और चीज़ भी ऐड की है, लेवल ऐड किया है। तो यहाँ पर गाइस आप रिवॉर्ड में जाओगे ना, तो यहाँ पर ये देखो बहुत सारे लेवल आएंगे। तो ये लेवल गाइस काफ़ी सारे बढ़ा दिए इन लोगों ने, 100 लेवल गाइस ऐड किए। पहले इसमें गाइस 300 लेवल्स ही थे, बट अभी 300 से लेकर 400 लेवल ऐड कर दिए। सो अभी मैंने गाइस यहाँ पर माइथिकल बीस्ट से बैटल की और मुझे यहाँ पर 660 मिल गया है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, काफ़ी सारा मिल गया। ये रहा गाइस इसका स्ट्रेंथनिंग, और भी चाहिए अभी यार। वो एक गाइस नई चीज़ ऐड की है, एनहेंस अपग्रेड पोकेमॉन। और हाँ गाइस एक नई चीज़ ऐड की है सुप्रीम टोकन में, यहाँ पर पता नहीं सुप्रीम टोकन में भी कुछ नया ऐड किया है। तो ये देखो गाइस, ये दिख भी नहीं रहा मुझको कि यहाँ पर 5 ये बीस्ट वाउचर मिलेंगे अगर आपका लेवल 30 हो जाता है तो। बट मेरा तो भाई 30 हो गया है कब से, कई दिनों पहले ही भाई 30 लेवल मैंने कर दिया था, मुझे ये रिवॉर्ड भी मिल गया, बट फिर भी यार क्यों नहीं मिल रहा ये। ये देखो दोस्तों मैंने सभी में 30 लेवल कर दिया बट फिर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि गाइस ये मुझे मिलेगा मेल में, ये यहाँ से नहीं मिलेगा गाइस, ये हमें मिलेगा मेल में। मेल आएगा गाइस सुबह को, सुबह 8:30 बजे मुझे मिल जाएगा अपना बीस्ट वाउचर 5। ऐसे मैंने यहाँ पर इस वाले में भी किया है लेवल 30 कम्प्लीट, इस वाले में भी कंप्लीट किया है, तो मुझे भाई बहुत सारे मिल जाएंगे। और भाई साहब इसमें भी मैंने गाइस कंप्लीट कर दिया है, बस एक ही लेवल बाकी है लेवल 30 करने में। सो वो सुप्रीम टोकन में गाइस अगर आपका लेवल 30 आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा बीस्ट वाउचर। और सुप्रीम टोकन के गाइस टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैंने पहले से वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर देख लेना। और गाइस एक चीज़ चेंज की है ग्लोबल पिक कंपटीशन की, ग्लोबल पिक कंपटीशन कहाँ पर है, यहाँ पर मैं गाइस इसके रिवॉर्ड में आ गया हूँ। यहाँ पर गाइस गोल्डन अल्ट्रा डियाल्गा का स्किन डाल दिया है, पहले इसमें कौन सा स्किन था वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूँगा। अगर आप गाइस चैम्पियन हो तो आपको रिवॉर्ड में अल्ट्रा डियाल्गा का गोल्डन स्किन मिलेगा। और गाइस एक इवेंट आता है ऑल लॉटरी इवेंट इस नाम का, तो उसको ऑप्टिमाइज किया है, उसके रिवॉर्ड्स को एडजस्ट किया है और ऐड किया है मोर रिवॉर्ड्स फॉर एक्यूमुलेटेड टाइम्स, तो वो इवेंट में कुछ एडजस्ट किया है।
वैसे यहाँ पर गाइस हम फार्म में ये चीज़ मैं भूल गया कि वन टाइम हम ये रिफ्रेश कर सकते हैं ये सारे टास्क। चलो करके देखते हैं। रिफ्रेश तो कर दिया बट कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ रिफ्रेश। ओके मेरे पास ये इतना बेरी हो गया था तो वो क्लेम हो गया। अब मुझे गाइस 50 डायमंड देकर रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके ये चेंज होते हैं गाइस ये टास्क सारे। मुझे लगा कि क्या रिफ्रेश हुआ। और गाइस एक चीज़ ऑप्टिमाइज़ की है पोकेमॉन शॉप डिस्प्ले ऑफ पोकेमॉन शॉप कुछ इस टाइप का ऑप्टिमाइज़ किया है। वो मैं आपको गाइस स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि कैसा नाम है उसका। कब से भाई ढूंढ रहा हूँ मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक गाइस माउंट ऐड किया है होंडोम का। बस यही चीज़ है गाइस ऑप्टिमाइज़ ऐड और ये सारी चीज़ें की है अपडेट में। भाई मैं तो बहुत थक गया आज बट फाइनली ख़त्म हुआ अपडेट। ये सारा गाइस अपडेट हुआ है इस गेम में सारा का सारा मैंने आपको दिखा दिया है। अब कोई भी चीज़ गाइस बचती नहीं है मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने सब कुछ दिखा दिया है। बाकी गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा अपडेट। बाकी वीडियो को भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर मार देना। 100 लाइक का गोल लगा रहा हूँ। बहुत मेहनत किया गाइस और अभी भी मेहनत करनी है मुझे एडिट करने में। तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना जिन्होंने अभी नहीं दबाया और लाइक कर दो सभी लोग। 100 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।